नमस्कार, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। आज का एपिसोड अत्यंत संक्षिप्त है एवं जानकारी से भरा हुआ है। आज के एपिसोड में मैं पिशाच मोचन कुंड का वर्णन कहां पर किया गया है इस बारे में बताने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुने क्योंकि पिशाच मोचन कुंड का पितृपक्ष में अत्यंत महत्व है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक और शेयर अवश्य करें। आइए जानते हैं कि पिशाच मोचन कुंड क्या है और इसका वर्णन हमारे किस पुराण में किया गया है। पिशाच मोचन कुंड में पितृपक्ष का श्राद्ध किया जाता है जो पूर्वजों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु से मुक्ति दिलाता है। इसका उल्लेख गरुण पुराण में मिलता है। जी हाँ, पिशाच मोचन कुंड जो कि काशी में स्थित है, इसका वर्णन गरुण पुराण में मिलता है। मान्यता है कि यहाँ स्थित पीपल के पेड़ पर भटकती आत्माओं को विश्राम कराया जाता है। इस दौरान पेड़ पर सिक्का रखा जाता है ताकि पितरों का कर्ज उतर जाए और पितर सभी बाधाओं से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकें और यजमान भी पितरों के कर्ज से मुक्त हो सकें। काशी में स्थित गरुण पुराण में वर्णित पिशाच मोचन कुंड अत्यंत महत्वपूर्ण है पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए। मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। नमस्कार।